फ्रेंड्स, सुनीता किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम घर में ही बाजार जैसा पनीर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 फुल क्रीम दूध की थैली, 2 नींबू का रस और 1 कॉटन का कपड़ा। तो अब हम दूध को गर्म करेंगे। तो देखिए, अब हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के रस से हमारा दूध फट जाएगा। आप चाहे तो विनेगर या फिर दही का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसका हरा पानी अलग हो गया है और अब पनीर अलग हो गया है। अब हम पनीर को छलनी में छान लेंगे। अब हमने कपड़ा लगा दिया है, तो अब हम पनीर को इसमें छान लेंगे। तब हम इस पर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालेंगे ताकि इसका खट्टापन है वो निकल जाए। और इसे ढंग से प्रेस कर इसका पानी निकाल लेंगे। तो अब हम पनीर पर कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो हम इस पर ये पत्थर रख रहे हैं ताकि इसका थोड़ा जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए और पनीर अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो अब हमारा पनीर सेट हो गया है। हमने इसे सेट होने के लिए 20-25 मिनट तक रखा था। अब हमारा पनीर बन चुका है और ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, ना ही कोई केमिकल्स हैं। आप जितना हो सके अपने घर में ही पनीर बनाइए। बहुत ही इजी होता है और बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे पानी में रख देंगे ताकि आप इसे 2-3 दिन बाद भी यूज़ कर सकें।